नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एक इंडियन डॉक्टर के बारे में जिसकी कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद मृत्यु हो गई। ओके, तो अभी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी वो इस मैटर को देखेगा कि क्या रीजन रहे हैं, तो क्यों यहाँ पर मृत्यु हुई। तो यहाँ पर इस लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है सेरेब्रल वेनोस साइनस थ्रोम्बोसिस। ओके, तो ये क्या चीज है? ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो यहाँ पर 32 ईयर ओल्ड एक डॉक्टर थे इंडिया में जिनकी की मृत्यु हो गई कोविड-19 का यहाँ पर टीका लेने के कुछ ही हफ्तों के बाद। तो यहाँ पर स्नेहल लुनावत उनका नाम था। तो यहाँ पर एज ए लेक्चर नासिक में वर्क कर रही थी, काम कर रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने कोविशील्ड का टीका लिया था जनवरी में। ओके, ये जो पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कोविशील्ड का है। ओके, तो कोवैक्सीन उसके बारे में काफी बार मैं डिस्कस कर चुका है। तो इसको बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका जो फॉर्मूला है ना, वो अस्ट्राजेनेका फॉर्मूला है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ पर लिया गया है और जिसको कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा। तो ये वाला वैक्सीन इन्होंने लिया था जिसके चलते कुछ ही हफ्तों के बाद उनका जो है देहांत हो जाता है। जनवरी में वैक्सीन लेते हैं और यहाँ पर मार्च में देहांत हो जाता है। तो इसका एक रीजन बताया जा रहा है, वो रीजन है यहाँ पर सेरेब्रल वेनोस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो ये एक रीजन जिसके चलते उनके दिमाग में ही ब्लीडिंग हो गई ब्लड की। ओके, तो यहाँ पर दूसरा बात कर रहे हैं यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये दो रीजन थे जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई टीका लगने के बाद। ओके, तो देखो इसमें हुआ क्या, अभी इसी को डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस? तो इसमें हमारी ना दिमाग में यहाँ पर नाड़ी होती है जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पर वेनस साइनसिस। ओके, तो यहाँ पर इसमें ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया, मतलब कि खून वहां पर जमना शुरू हो गया। देखो नेचुरली अगर ब्लड सर्कुलेट करता जाएगा, ओके, तो बिल्कुल तंदुरुस्त है इंसान, उसको कुछ नहीं है। लेकिन अगर दिमाग में किसी हिस्से में, किसी नाड़ी में अगर खून जमता है तो सर्कुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर पीछे से प्रेशर रहता है यहाँ पर ब्लड का हमारे हार्ट के द्वारा कि उसको सर्कुलेट करना है। लेकिन अगर अगर रास्ता अगर जाम हो जाए तो दिक्कत आएगी ना फिर। तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो गया, खून जम गया। तो ये जो केस है ना कोविशील्ड लेने के बाद ऐसे ब्लड क्लॉट क्लॉट के जो चांसेस हैं, केसेस निकल कर आए, तो ये यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत बड़े पैमाने पर निकल कर आए। ओके, तो ये अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है कि नॉर्वे जैसा देश, ओके, फिनलैंड जैसा देश, इन्होंने पाबंदी भी लगा दी थी कुछ समय के लिए कि यहाँ पर अस्ट्राजेनेका वैक्सीन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ब्लड क्लॉट्स के यहाँ पर सिम्टम्स नजर आए थे जिन जिनको भी वैक्सीन लगी। ओके, तो अभी ये भारत में भी ऐसा केस देखने को मिला है। तो अभी वही बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर जब ब्लड ही यहाँ पर रुक जाए ना, आगे फ्लो ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो कैसे यहाँ पर दिक्कत आएगी? तो यहाँ पर इस फोटो को आप देखिए, इस इमेज को देखिए, यहाँ पर ये होती है यहाँ पर सिनस वेन। ओके, जिसको हम वेनेसस भी बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा, ये आपको ये जो है ना दिमाग का आपको नक्शा नजर आ रहा है आपके सामने। तो ये सभी के सभी वेन्स है जहां से ब्लड फ्लो करता है। ओके, तो यहाँ से भी देखो ये बिल्कुल सही है ये वाला एरिया। इसके नीचे जो नीचे नीचे यहाँ पर टिश्यूज होते हैं जो यहाँ पर ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं, इनमें भी यहाँ पर ब्लड जो है फ्लो करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस रास्ते में रुकावट आ गई, यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो गई। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग हो गई रास्ते, मतलब खून जमना शुरू हो गया। और इसके चलते क्या होगा कि इसी यहाँ पर जो वेन है इसके नीचे जो छोटे छोटे टिश्यूज है ना, तो फिर क्या होगा अगर आगे रास्ता नहीं मिलेगा ना, तो धीरे धीरे जो ब्लड है ना, जो ब्लड सेल्स है, अपने आप को तोड़ना शुरू कर देंगे। ओके, जब तोड़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पर लीकेज होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर टिश्यूज की और वो भागेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सभी की जो नीचे है ना, ये टिश्यूज है। ओके, तो यहाँ पर जो है ना आपको यहाँ पर इम्पेयर ड्रेनेज आपको देखने को मिलेगी, मतलब जो है ना डैमेज होना शुरू हो गया यहाँ पर ब्रेन के ऊपर। तो ये वाला जितना भी शेडो वाला रीजन है ना यहाँ पर, तो ये सारा का सारा स्वेलिंग यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर सूजन पड़ जाएगी दिमाग के ऊपर और डैमेज करेगा। ओके, तो यहाँ पर सेहत जो है ना बिगड़नी शुरू हो जाएगी इंसान की। जैसे यहाँ पर ब्लड ने आगे जाना था, आगे फ्लो करना था, लेकिन यहीं पर रुक गया, तो अभी दिक्कत आनी शुरू होगी। तो प्रेशर तो पीछे से आ रहा है ना ब्लड का कि जो ब्लड को आगे फ्लो करो, लेकिन नहीं आगे जा पा रहा, तो वो यहाँ पर फटने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे टिश्यूज है ना, तो उनकी और आगे बढ़ेगा। जब इस तरीके से आगे बढ़ेगा ना, तो फिर यहाँ पर बॉडी से ब्लड बाहर निकलना शुरू होगा, तब यहाँ पर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ पर पूरा मैप है ब्रेन के बारे में, कौन कौन सी वेन, उसको क्या क्या नाम देते हैं, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। उसका ओवरव्यू खुद से यहाँ पर देखिए कौन सी वेन को क्या क्या नाम देते हैं। ओके, तो ये आपके लिए ही, आपने थोड़ा सा ओवरव्यू देखना है इसका। तो अगर बात करें CVST की, तो यहाँ पर एक अनकॉमन ये इस तरीके की बीमारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग ये मतलब कंडीशन हो जाती है, मतलब इंसान की जान जा सकती है, काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके चलते। अगर किसी को पहले से अगर ऐसी बीमारी है,
ये जो वैक्सीन जब लगती थी इसने तो यहाँ पर और चांसेस बना दिए ना ब्लड क्लॉटिंग के, तो यहाँ पर ये दिक्कत आई है जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है ना, तो यहाँ पर इसमें पाया गया है, तो यहाँ पर 8.3 यहाँ पर ओवरऑल इसका मॉर्टेलिटी रेट है। अगर किसी को होती है तो 100 में से यहाँ पर सिर्फ 8 बंदे हैं जिनकी मृत्यु होती है। तो इसकी इसको ठीक करने के लिए ना यहाँ पर एंटी कोएगुलेशन थेरेपी यूज की जाती है, जो कि वर्ल्ड वाइड यहाँ पर एक्सेप्टेड है सीबीएसटी के लिए। तो यहाँ पर 90% एफिशिएंसी देखी गई है यहाँ पर इस थेरेपी के थ्रू, यहाँ पर इंसान जो है ना उसको ठीक करने के लिए। तो अभी बात करते हैं एंटी कोएगुलेटिंग यहाँ पर थेरेपी जो होती है, तो इसका क्या फायदा रहता है, इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर एक तरह की ये ड्रग थेरेपी होती है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी दवाइयां जो है दी जाती है, जिसके चलते जो खून है ना उसका प्रवाह जो है ना दिमाग में वो चलना शुरू हो, तो जो यहाँ जो ब्लड क्लॉट के जो चांसेस है ना पेशेंट के, उनको यहाँ पर उसका रेट कम किया जाता है कि मतलब ब्लड क्लॉट कम से कम हो और धीरे धीरे वो कंडीशन जो है इंप्रूव होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर एक तरीके से थेरेपी यूज की जाती है। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि फर्दर ब्लड क्लॉट जो है ब्लड वेसल्स में यहाँ पर ना बने, तो यहाँ पर जो वेसल्स है ब्लड वेसल तो आराम से वहां से जो फ्लो है ना खून का वो मतलब फ्लो करता रहे, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो ना नॉर्मल सिचुएशन के ऊपर पेशेंट को लाया जाता। तो ये इतना जल्दी नहीं होता है, ये इसमें टाइम लगता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके यहाँ पर जो क्लॉट्स होते हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हैं और यहाँ पर कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर पेशेंट का इंतजाम किया है कि बिल्कुल यहाँ पर जहां से ब्लड क्लॉट हो रहा है, तो यहाँ पर एक थैली लगी है, तो यहाँ पर जो ब्लड है तो यहाँ पर आता जाएगा दूसरी ओर, यहाँ पर ब्लड इन्फ्यूजन भी दिया जा रहा है इनको, मतलब खून जो है यहाँ पर दिमाग के रास्ते बाहर आता है, तो उनको यहाँ पर इंटरनल जो ब्लीडिंग हो रही है उसके चलते आ रहा है, तो यहाँ पर खून की जरूरत है अंदर, तो यहाँ पर एक्सटर्नली खून दिया जा रहा है, इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। तो ज्यादातर ऐसे जो यहाँ पर केसेस भी देखने को मिलते हैं ना, दिमाग में जब ऑक्सीजन की कमी होती है जब तब भी यहाँ पर ऐसे इश्यूज जो है ना निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे जरूरी रहती है। तो ये सब कंडीशन है, यहाँ पर दवाइयां दी जाती हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे करके ना यहाँ पर जो स्वेलिंग है उसको कम करना है, तो तभी कम होगी जब जब यहाँ पर ब्लड जो है ना वो सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। तो अभी बात करते हैं थ्रोम्बो साइटोपिनिया की। तो ये क्या होता है, ये कंडीशन होती है जब यहाँ पर ब्लड में यहाँ पर जो प्लेटलेट्स होते हैं ना तो उनकी गिनती बहुत कम हो जाए, तो इसी को यहाँ पर जो है ना थ्रोम्बोसाइट्स हम बोलते हैं। ब्लड में यहाँ पर जब कमी हो जाए प्लेटलेट्स की, तो यहाँ पर नॉर्मल जो ह्यूमन प्लेटलेट है ना, तो यहाँ पर उसकी रेंज जो है वो है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में, इतने प्लेटलेट्स जो है ना यहाँ पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड जो है आपके ब्लड में होने चाहिए। और जब इनकी कमी शुरू होती है, मतलब ब्लड में इनकी कमी देखने को मिलती है, तो उसी रीजन से यहाँ पर ना ब्लीडिंग के चांसेस जो है ना वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और आगे यहाँ पर बात करें सिम्टम्स की, तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिलती है कि यहाँ पर प्लेटलेट्स की कमी है और यहाँ पर जो है ना ब्लड क्लॉट जो है वो होने शुरू होगी। तो यहाँ पर जो है हेडेक होती है, सिर दर्द होता है, यहाँ पर जो है देखने की यहाँ पर जो क्षमता है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, आंखें लाल होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर स्ट्रोक के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर वीकनेस हो जाती है फेस में, यहाँ पर बॉडी पार्ट्स की, ओके, तो यहाँ पर एक साइड जो है पूरा वीक होना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा जो फोकस है ना इंसान वो नहीं कर पाता, मतलब सीजर्स वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, तो फोकस कम होना शुरू हो जाता है, तो ये दिक्कतें आती हैं इंसान को। तो डायग्नोसिस ज्यादातर यहाँ पर होता है यहाँ पर सीटी स्कैन के द्वारा, और दूसरा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो ये एमआरआई फुल बॉडी एमआरआई होती है, तो यहाँ पर पता किया जाता है दिमाग की एमआरआई करके कि कहाँ पर रुकावट आ रही है, मतलब जो यहाँ पर विनेसस सिनेसिस है जो दिमाग की बड़ी नाड़ियां हैं, तो यहाँ पर कहाँ पर रुकावट आ रही है, तो उसको यहाँ पर स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर जब ब्लड क्लॉट्स के केसेस ऑलरेडी किसी इंसान में हो, तो जैसे यहाँ पर अगर उनके ऊपर दोबारा से वैक्सीन लग जाए, जैसे यहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वायरस वैक्सीन की बात कर लो, या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका कोविड-19 की वैक्सीन बात इसकी बात कर लो, तो ये तो कंडीशन को और बुरा कर रही है फिर। ओके, तो यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया कि कंडीशन मतलब पहले ऑलरेडी नॉर्वे और यहाँ पर फिनलैंड जैसे मुल्कों ने थोड़ा सा बैन लगाया था टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ऊपर, कि ये ब्लड क्लॉट के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर किसी को पहले ही यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी है, तो फिर देखो कितना घातक हो जाएगा, तो और ज्यादा जो जल्दी जो है यहाँ पर ब्लड क्लॉट जो है बनने शुरू हो जाएंगे। और आगे आखिर में बात करें कि जो उनके ब्रदर हैं उन डॉक्टर के, तो यहाँ पर उनका नाम है शुभम लोनावत, तो बात कर रहे हैं कि उनकी जो सिस्टर की ये कंडीशन थी ना, तो मतलब ये वेरी रेयर केसेस था, मतलब इस तरीके का जो ब्लड क्लॉट का उनको यहाँ पर सिम्टम्स थे, बीमारी थी, यहाँ पर लो लेवल उनके ब्लड प्लेटलेट्स थे। तो यहाँ पर जो जो वैक्सीन जो है ना उसके साथ ये लिंक करके बात कर रहे हैं कि उसी के चलते यहाँ पर ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गई, डेथ हो गई। तो इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो इनकी डेथ है ना, तो अभी इनको रिपोर्ट नहीं किया गया किसके अंतर्गत, AEFI के अंतर्गत, जिसका मतलब है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये अलग से यहाँ पर बनाया गया है, इस क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया कि अगर वैक्सीन लगने के बाद कोई यहाँ पर किसी इंसान को कोई एडवर्स इवेंट देखने को मिलते हैं,
मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं रह रही है वैक्सीन लगने के बाद, तो वो इस यहाँ पर सिस्टम में मॉनिटर कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। तो ये तभी होगा, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन उसकी है, उसको वैक्सीन लगने के बाद यहाँ पर कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला है। तो लेकिन यहाँ पर पहले कंडीशन खराब थी, बाद में वैक्सीन लगी, इसलिए यहाँ पर इसको एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत जो है ना इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, जिसके चलते यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता जो भी यहाँ पर प्रोसीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद फैमिली ने अपने, जो यहाँ पर उस लड़की की फैमिली थी, डॉक्टर की फैमिली थी, उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए, तो यहाँ पर कोशिश की कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज थी उनके साथ मिले, कि यहाँ पर उनके जैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उनसे मिले। तो यहाँ पर कोई भी बात जो है ना इसके रिगार्डिंग उन्होंने भी सुनवाई नहीं की। तो आखिर में इन्होंने यहाँ पर अप्रोच लगाई WHO में जाने की। तो अभी WHO जो है ना अभी इन्वेस्टिगेट करेगा अच्छे से कि क्या यहाँ पर जो है ना रीजन क्या है। तो देखो अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो आने वाले समय में बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। ओके, तो इसके अलावा अभी और कुछ नहीं पता, देखो मतलब क्या क्या साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि वैक्सीन भी ना बदली जाएंगी जब यहाँ पर, जिस तरीके से वेरियंट्स बदलते जा रहे हैं ना कोरोना वायरस के, तो उनके साथ लड़ने के लिए क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी वैक्सीन की, तो उनको भी बदलना जरूरी है। तो फिर मतलब आने वाले समय में ना आपको अलग अलग तरीके से और इफेक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।